डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का एक नया प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चंस का है आज आप सभी बनाएंगे, जिसमें कट ऑफ होगा जनरल मेल के लिए 34 का, जबकि फीमेल और रिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ होगा इसमें 30 का। 50 क्वेश्चंस के इस सेट में होपफुली इतने स्कोर्स आपके होने चाहिए। चलिए बनाते हैं इस नए सेट को, जिसमें नए 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के हेडक्वार्टर के छत पर 50 किलोवाट का एक सोलर पैनल लगाया गया है विशाल, जिसका नाम रखा गया है महात्मा गांधी सोलर पार्क। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश को भारत से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के लिए तेल का पाइपलाइन बिछाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। नेपाल पेट्रोल डीजल के लिए बहुत हद तक भारत पर निर्भर है, ऐसे में सड़क मार्ग की बाधा को देखते हुए ये तेल पाइपलाइन बिछाई गई है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। गूगल द्वारा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को अंग्रेजी हिंदी पढ़ना सीखने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोलो ऐप, जो एक वॉइस मैसेज ऐप है जहां बोलकर हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में ट्रांसलेशन के द्वारा पढ़ाई की जा सकेगी। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां गया? डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा, भुवनेश्वर। ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर में यह आयोजित हुआ है बांध सुरक्षा सम्मेलन। पांचवा प्रश्न। नवंबर 2019 में किसने गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सत्यपाल मलिक, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और काफी खबरों में रहे थे। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन। अबुधाबी में संपन्न स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों यानी मेडल्स की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 368। इंटेलेक्चुअली चैलेंज लोगों के लिए यह स्पेशल ओलंपिक आयोजित हुआ था अबुधाबी में, जिसमें भारतीय प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में मेडल जीते, 368 इनकी संख्या थी। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनुअल सेशन यूएन का हर साल होता है, इस बार इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तिजानी मोहम्मद बांडे, नाइजीरिया के ये राजनयिक जिन्होंने इस बार इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुधीर भार्गव। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट, दसवां क्वेश्चन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में सोने का सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका टॉप पे है, जबकि चाइना सेकंड, भारत का इसमें 10वां पोजीशन है। 11वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की वैश्विक ऊर्जा रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक CO2 यानी कार्बन का उत्सर्जन कौन सा देश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना टॉप पे है, जबकि 2030 में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका को छोड़कर विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन जाएगा। नेक्स्ट, 12वां क्वेश्चन। मारेंगो सचिन तेंदुलकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी की एक नई प्रजाति, जो खोजी है गुजरात के एक रिसर्चर ने जो सचिन तेंदुलकर के बड़े फैन रहे। उन्होंने इस मकड़ी का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा है।
नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, चीन वर्ष 2019 किस रूप में मना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुअर का वर्ष यानी ईयर ऑफ पिग, जबकि 2020 मनाएगा वो चूहों के वर्ष के रूप में। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए शक्ति। ये भारत का इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है जिसे आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, भारत का सबसे स्वच्छ क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन कौन चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जयपुर। जयपुर, जोधपुर और दुर्गापुरा तीन टॉप के क्लीनेस्ट स्टेशन रेलवे मंत्रालय के द्वारा चुने गए हैं, जो तीनों ही राजस्थान में हैं। 16वां क्वेश्चन, कला और संस्कृति पर आधारित काला घोड़ा महोत्सव 2019 कहां मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मुंबई। दक्षिण मुंबई में काला घोड़ा एक स्थान है जहां कलाकार जुड़कर इस तरह के महोत्सव का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी शशि थरूर। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल नहीं होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए भारत। भारत ने आसियान क्षेत्र के सबसे बड़े आरसीईपी में शामिल नहीं होने की घोषणा की है, क्योंकि इससे भारतीय आर्थिक हितों को नुकसान था। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज कौन सा है? सी इसका आंसर हो जाएगा बोगी बील पुल, जो असम में स्थित है, लगभग 5 किलोमीटर लंबा। ये रेल रोड ब्रिज है जो देश का सबसे लंबा ब्रिज है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, फरवरी 2019 में किस देश ने T20 क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर 278 बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड को हराकर यह सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का था। 21वां क्वेश्चन, 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में यह आयोजित हुआ। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, पटना हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जस्टिस संजय करोल। 23वां क्वेश्चन, दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य घोषित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हरियाणा। भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित ये दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पुणे में हुआ था, जिसमें हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा है। 24वां क्वेश्चन, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य यानी एयर पोल्यूशन और हेल्थ पर पहला WHO वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा WHO के हेडक्वार्टर जिनीवा में। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सबसे पहले उपग्रह का प्रक्षेपण चीन के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूडान। सूडान का पहला सैटेलाइट चीन ने लॉन्च किया है। इससे पहले जापान ने नेपाल और श्रीलंका का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। 27वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने किन दो देशों में 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक के भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नेपाल और भूटान। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 116 वर्षीय किस महिला को विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी केन तनाका, जिन्हें
वर्तमान में सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग पर्सनैलिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत के किन दो शहरों को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क से जोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंबई और हैदराबाद। मुंबई फिल्म सिटी के लिए जाना जाता है, जबकि हैदराबाद खान पान के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। 30वां क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना पर जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौतों का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गति सीमा का उल्लंघन। हाई स्पीड में गति सीमा से अधिक स्पीड में गाड़ियों को चलाना सबसे अधिक मौतों का कारण है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, यूनेस्को गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या सो ओ और वालोन, इन दोनों को जो म्यांमार से संबंधित हैं रोहिंग्या समस्या पर निर्भीक पत्रकारिता के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, जुलाई 2019 में जारी नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार लगातार 9वें महीने निम्नलिखित में से किस सेक्टर में उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें लगातार 9th मंथ बड़ी गिरावट दर्ज की गई और ये लगातार खबरों में बना रहा। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। दीपा मलिक एथलीट हैं जबकि बजरंग पुनिया रेसलर हैं। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम फिरोज शाह कोटला का नया नाम अब क्या हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुण जेटली स्टेडियम। 35वां क्वेश्चन, पुरुष वनडे क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर क्लेयर पोलोसाक का संबंध किस देश से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या पर आपातकाल इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद आयरलैंड में घोषणा हुई थी जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं पर। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, नवंबर 2019 तक देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8, सी 8 इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि 8वीं पार्टी मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने की क्षमता वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, डी 4th इसका आंसर होगा, अमेरिका रूस और चाइना के बाद अब भारत लो ऑर्बिट में सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखता है। 39वां क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किसे वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारजा। 2020 के लिए कुआलालंपुर को वर्ल्ड बुक कैपिटल यूनेस्को ने पहले ही घोषित कर रखा है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आपातकालीन सेवा यानी इमरजेंसी सर्विसेज वाली गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10,000 का जुर्माना होगा। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन, विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यानी फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा कहां की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमीरात यानी UAE में, अबू धाबी में यह पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित होगा। 42वां क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102। 43वां क्वेश्चन, जनवरी 2019 में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये फगवाड़ा पंजाब में। 44वां क्वेश्चन, विश्व का पहला तैरता परमाणु प्लांट
फ्लोटिंग एटॉमिक पावर प्लांट किस देश में स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रशिया में। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2018 जारी हुआ था, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 130वां स्थान है। अभी 6 दिसंबर को 2019 का भी HDI इंडेक्स जारी हो गया है, लेकिन 6 दिसंबर का मतलब है दरोगा के एग्जाम में ये नहीं आएगा, इसलिए 2019 का इसमें शामिल नहीं किया गया है, संभवतः 2018 का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, भारत की पहली ई कार E2O+ को बंद करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेवा कंपनी, जिसका टेक ओवर बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कर लिया है। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार किस तिथि को, किस डेट को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 31 अक्टूबर 2019। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो चुकी है, जबकि राज्यों की संख्या 28। 48वां क्वेश्चन, सभी मौसम में उपयोगी ऑल वेदर रोड के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिल गई है, यह परियोजना कहां चल रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चार धाम योजना के लिए ये ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा है, जिस पर पर्यावरण के अनुसार बहुत सारी आपत्तियां लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस पर मुहर लग चुकी है। 49वां क्वेश्चन, IIT मद्रास के शोध छात्रों के द्वारा विकसित आई इन द स्काई यानी आसमान में आँख का प्रयोग किया जा सकेगा कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक आपदाओं के समय। 50वां और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न G20 के 14वें शिखर सम्मेलन जो जापान में आयोजित हुआ, टिकाऊ विकास के कितने लक्ष्यों पर चर्चाएं हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 ऐसे लक्ष्य थे जिन पर चर्चाएं हुई, जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरण, फूड सिक्योरिटी, जेंडर गैप जैसे विषय थे। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने टिकाऊ विकास के ऐसे 17 लक्ष्यों की घोषणा की है, जबकि G20 में ऐसे 8 टारगेट्स पर चर्चाएं हुई हैं। ये जापान में ओसाका में आयोजित हुआ था G20 का शिखर सम्मेलन। तो आज के ये 50 क्वेश्चंस, जिसमें कट ऑफ था 34 और 30 का, उम्मीद है कि आपने इसमें अच्छे स्कोर्स किए होंगे। टेक केयर।